बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी श्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर व्यूवर्स, इट्स मी अदील अंजम फ्राम ईएलआई इंस्टीट्यूट हाफिज़ाबाद रोड कृष्णावाला। टुडे आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट बीए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो हो रहे थे और बीएससी के ऑनलाइन, क्या वो फेलियर है या सक्सेसफुल है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है जो भी है आपको मैं गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ जो मेरे सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है या जिस तरह से बच्चे पेपर दे रहे हैं और वो कंप्लेन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके आपको पता ही होगा सबको। तो बेटा ये फेलियर है और सक्सेसफुल तो ये नहीं है, चूँकि अगर सक्सेसफुल की बात करें तो आज जो पेपर हुआ है उसमें बीएससी वाले स्टूडेंट्स को बीए का पेपर दे दिया बेटा। तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी से भी गलती हुई है, ये ब्लंडर ही है बेसिकली, क्या क्या कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेट कर रही है। वो क्या अकोमोडेट कर रही है बेटा, वो ये अकोमोडेट कर रही है कि आपका जो पेपर मिस हो गया है या तो वो आपसे दोबारा ले लेंगे, मतलब ये वो जो है ना ये कह रहे हैं आपको कि या वो आपसे दोबारा ले लेंगे या बेटा क्या होगा कि आप फर्ज करें, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने दो तीन पेपर पहले दे लिए हैं और उनका एक पेपर खुदा न खासा किसी वजह से मिस हो गया है, तो उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो वाला पेपर ट्रेडिशनल वे में दे सकते हैं, बात समझ आई। और यूनिवर्सिटी ने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रखे इसी फीस के साथ। तो यूनिवर्सिटी आपको बेटा वैसे ट्राई यही कर रही है कि मैक्सिमम वो आपको अकोमोडेट करें, चूँकि दिस सिस्टम इज़ लॉन्च फर्स्ट टाइम, ऑनलाइन वाला यूनिवर्सिटी के लिए भी न्यू था। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमें यूनिवर्सिटी को इस सेंस में बातें करनी चाहिए जनाब ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने अगर आपको बीएससी की जगह बीए का पेपर दे दिया, ये गलती है, ब्लंडर है, एक्सेप्टेड। और बेटा ये हो जाती है जब सिस्टम प्रॉपर जो है ना वो अपडेट उस तरह से ना हुआ हो या उसका यूज़ टू इंसान ना हो, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए वो आपको अकोमोडेट कर रहे हैं और हर लिहाज से अकोमोडेट कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह पीयू आपके साथ बिहेव कर रही है इस तरह कोई और यूनिवर्सिटी आपको इतना अकोमोडेट करे। देखें वो ऑनलाइन के लिए ये भी कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनका एक दो पेपर रह गया वो ट्रेडिशनल वे में दोबारा अपीयर हो सकते हैं, अपना पेपर दे सकते हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा और इसी साल में अपना वो कवर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। वो एक सेपरेट इशू है बच्चे आप वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, लेकिन आपको बहुत अच्छी ऑप्शन जो है ना वो यूनिवर्सिटी दे रही है। अगर हम मुख्तसर ये बात करें कि ऑनलाइन वाला सिस्टम सक्सेसफुल रहा है या नहीं, तो उस हिसाब से मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये कहूँगा कि ये सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह ये हो सकता है, चूँकि जैसे उन्होंने फ़ौरन ये स्टेप्स लिए हैं, अगर आप देखेंगे तो जब कोरोना, मतलब अगर हम मार्च में अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो 14 मार्च से ये जो है ना बंद कर दिए गए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो बेटा तब से अब तक काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना यूनिवर्सिटी ने अपडेट कर दी हुई हैं और इस तरह इतनी इतनी तेज़ और फास्ट उन्होंने काम किया है। और बेटा इतने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, बात समझ रहे हैं, आप जब अगर पेपर दे रहे हैं तो आप तो एक हैं। अगर आपके साथ खुदा ना खासा उन्होंने पेपर जो है आपको बीए का दे दिया, तो आप ज़ाहिर है बातें कर रहे हैं, ठीक है आपका भी राइट है, आपके साथ वो मतलब आप जो प्रिपेयर थे या आपने जो तैयारी की, लेकिन इवन आपको वो दोबारा चांस देंगे इसका और उन्होंने ये कहा है कि आपको वो दोबारा इसमें अकोमोडेट करेंगे, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने सिस्टम को डिवेलप कर लिया है, आई थिंक बहुत अच्छा हो गया। नेक्स्ट टाइम के लिए भी खुदा ना खासा ऐसी कोई सिचुएशन आए, वैसे ऑनलाइन के लिए फ़ायदा ये है बेटा कि आप रोल नंबर स्लिप वगैरह जो है वो ऑनलाइन जो है ना वो निकाल लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंस्टीट्यूट हैं या कुछ भी टीचर्स हैं, आप जो है ना बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंड करते थे, तो आपको वो डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बताते खुद भी अगर आप देखें कि ऑनलाइन सिस्टम ने और या इस कोरोना ने आपको भी कितना ज़्यादा उस तरह से मॉडर्न ट्रेंड्स जो है ना वो सिखा ही दिए हैं, ना ना करते हुए। बेशुमार बच्चे थे जिनको पता ही नहीं था यूट्यूब क्या होता है, बेशुमार बच्चे थे जिन्होंने बेटा फेसबुक कभी यूज़ नहीं की थी जब कोरोना नहीं था, तो अब आप सब ये सोशल मीडिया से जो है ना वो सारे के सारे आप पता है कि आप उसके यूज़ टू हो गए हैं। तो इस चीज़ को अगर हम समझें तो ये एक हिसाब से नेमत भी शो हुई है और इसमें ओवरऑल मेरा ख्याल है कि प्रोग्रेस भी होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट ये हमारे लिए है तो बेहतर, जो अल्लाह करता है बेहतर ही करता है। बहरहाल
तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं सिस्टम की, तो वो अभी तक बेटा आपको उस तरह से अकोमोडेट नहीं कर पाए जिस तरह से करना चाहिए था। चूँकि सिस्टम पहली दफ़ा लॉन्च हुआ है इसलिए उसमें प्रॉब्लम्स आई, उसके लिए वर्किंग वो बहुत कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट पंजाब यूनिवर्सिटी जो बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही है बेटा आपके लिए। और ज़्यादा अप्रिशिएटेबल चीज़ ये है कि आपको इसी फीस के साथ वो नेक्स्ट जो है ना बेटा ट्रेडिशनल में बैठने की इजाज़त दे रही है। मेरा ख्याल आपका गिला बनता ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप बेटा कमेंट्स कर सकते हैं और इवन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं @0321-7423804। थैंक यू वेरी मच।